फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बताने से पहले हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं, इसके पहले हमने तीन वीडियो बना चुका हूँ जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इस वीडियो को बना दिए हैं, आप वहाँ से हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम देखेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बता देने से पहले मैं बता दे सकता हूँ कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में एक कार्य करता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही है। तो उसका जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूरा नाम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा पूरा नाम है जिसको हम फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसका पूरा नाम जो कि मैकिंटोश कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आप मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, मैकिंटोश कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं मैकिंटोश कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसे डेवलप किसने किया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप बता सकते हैं डेवलप किसने किया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो डेवलप आप इसे बता सकते हैं, इसने एप्पल INC नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो कि वो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उसने लॉन्च किया था। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में आपको किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, आप ये भी बता सकते हैं। यूज्ड लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ था हमारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप बता सकते हैं जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में लैंग्वेज यूज हुआ था वो सी था, C++ था, असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था, आप इसे बता सकते हैं। ये हमारे लैंग्वेज यूज किए गए थे। और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला वर्जन था, फर्स्ट वर्जन जो था मेरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन, वो आपके एप्पल INS द्वारा, जो कि यहाँ पे भी एप्पल INS द्वारा का यूज़ किया था, यहाँ पे भी एप्पल INC द्वारा वो सन 1984 में फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था, जो कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन वो लॉन्च किया गया था, फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था जिसे मैक OS के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वर्जन जो लॉन्च किया गया था उसे हम मैक OS X के नाम से जानते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम X के नाम से जानते थे। और इसको डेवलप करने में कौन कौन से लैंग्वेज यूज हुए थे, लैंग्वेज आप देख सकते हैं कौन कौन से यूज हुए थे, लैंग्वेज कौन से यूज हुए थे, जो था सी था, C++ था और स्विफ्ट था, और मेरा असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था, लैंग्वेज और ऑब्जेक्टिव सी था। ये हमारे लैंग्वेज यूज हुए थे जो कि मेरा फर्स्ट वर्जन जो था मेरा मैक OS X जो फर्स्ट वर्जन था उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में हमारे इतने लैंग्वेज यूज हुए थे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली हम उसे एप्पल कंपनी के ही हम सिस्टम यूज कर सकते हैं, एप्पल कंपनी के यूज में ही हम कर सकते हैं। एप्पल कंपनी का लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें ही हम बस यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको
एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। मेरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम था, फुल फॉर्म मैकिंटोश कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे डेवलप किया था एप्पल INC द्वारा, और इसका जो लैंग्वेज यूज हुआ था MS मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सी था, C++ था, असेंबली लैंग्वेज था, और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो INS द्वारा लॉन्च किया गया था 1984 में, जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम X नाम था इसका। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने में जो हमारा लैंग्वेज यूज हुआ था वो सी था, C++ था, स्विफ्ट था, असेंबली था, लैंग्वेज और ऑब्जेक्टिव सी था। इसे हम सिर्फ और सिर्फ एप्पल कंपनी में, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर, इसमें ही हम बस यूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।